हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, और ये हमारा जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 11 है, जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो जानते रहिएगा, वह जीव जो मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है उसे कहते हैं एनेलिडा। और एनेलिडा दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाया है डी में, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह जीव जो मुकुलन द्वारा या बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनेलिडा बोलते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे सेकेंड नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। तो जानते रहिएगा, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित जो स्मारक है वो है आपका चार मीनार। और चार मीनार दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक जो है वो चार मीनार है, ये आपको याद रखना है। और ये चार मीनार है कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये है आपका हैदराबाद में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और इसका निर्माण कब कराया गया था, ये कराया गया था आपका 1591 में। तो 1591 में इसका क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। और कहाँ पे निर्माण हुआ था, हैदराबाद में, ये आपको याद रखना है। फिर क्या आ जाएंगे थर्ड नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो जानते रहिएगा, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल भारत में बनाया गया था उसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि इंडिया गेट का निर्माण कब और किस लिए हुआ था, तो ये भी याद रखना है आपको। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि इंडिया गेट, देखिए ये तो बात गेटवे ऑफ इंडिया की गई, लेकिन अगर बात आती है कि इंडिया गेट को कब बनाया गया था, तो इंडिया गेट जो निर्माण इसका हुआ था वो था 1924 ईस्वी में। कहाँ पे ये है, ये दिल्ली में है। और इसको क्यों बनाया गया था, किसकी याद में, तो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1924 में। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। तो दो यहाँ पे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों के बनने की जो डेट या जो भी कह सकते हैं आपका तिथि भी अलग है और कारण भी अलग है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो जानते रहेगा, सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। फिर देखिए आ जाएंगे फाइव नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है शिक्षा के अधिकार का। और शिक्षा का अधिकार दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख मिलता है। हाँ, अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आया है सूचना का अधिकार। कहें कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है, तो जानते रहिएगा सूचना का अधिकार जिस अनुच्छेद में मिलता है वो आपका है 19। जानते रहिएगा अनुच्छेद 19 में मिलता है हमें किसका, सूचना का अधिकार मिलता है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का जो आता है ये कहाँ पे मिलता है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो मिलता है ये आपका मिलता है अनुच्छेद 25 में। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 19 में जो कि यहाँ पे 19 में क्या मिलता है हमें, सूचना का अधिकार मिलता है, और अनुच्छेद 25 में जो मिलता है ये क्या, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो जानते रहेगा संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 3:2। और 3:2 देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए। हाँ, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि
कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो जानते रहेगा भारतीय तिरंगे को जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है कि तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, और भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जानते रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और व्योमेश चंद्र बैनर्जी देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। अगर यही क्वेश्चन ये आ जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो जानते रहिएगा संस्थापक जो थे वो थे आपके ए ओ व्यूम, जो एनल ऑक्टावियन जो व्यूम है ये जानते रहिएगा ये थे संस्थापक। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो संस्थापक कौन थे, इन्हीं को शॉर्ट में हम कहते हैं ए ओ व्यूम कहते हैं, याद रखें इनका फुल फॉर्म दिया गया है एलन ऑक्टावियन व्यूम। ये क्या थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, क्या थे संस्थापक थे, और पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी इसकी 1885 में। 1885 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, और इसके संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टावियन व्यूम, जिसे ए ओ व्यूम भी हम कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जानते रहेगा एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206, और 206 देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहां पे आया है बी में, तो हमारे यहां पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वो 206 होती हैं। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो जानते रहिएगा एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक जो स्थित है वो है असम में, और असम देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वो असम है। हाँ, अगर ये होता असम में कहाँ पे, तो असम में है डिगबोई, एक स्थान है वहाँ पे, तो क्या है वो स्थान, वो है डिगबोई। ये डिगबोई स्थान है एग्जैक्टली, जो उसका लोकेशन है डिगबोई, ये स्थान है, और डिगबोई कहाँ पे है, असम में है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, तो जानते रहेगा 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का जो नाम है वो है एप्पल, और एप्पल देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का जो पहला जियो स्टेशनरी जो उपग्रह है उसका नाम है एप्पल। फिर देखिए आ जाएंगे 11 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है, तो याद रखिएगा 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली जो पहली महिला हैं वो हैं पार्क ग्यून हैग, और पार्क ग्यून हैग देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली जो पहली महिला हैं वो है पार्क ग्यून हैग। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो यहाँ कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे क्या हैं, क्या ये प्रेशर क्रिएट करती हैं, बिल्कुल सही है। फिर क्या अनुधैर्य होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विद्युतीय चुंबकी ये नहीं होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यांत्रिकी भी ये होती हैं, तो क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें कौन सा असत्य है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं, जो ध्वनि तरंगे जो हैं तरंगे हैं, किस प्रकार की तरंगे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो याद रखिएगा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई जो पहली एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1902 में
सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जानते रहिएगा, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका जो प्रयोग किया गया था, ये किया गया था विलिस कैरियर के द्वारा। और विलिस कैरियर देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा, इनको विलिस कैरियर या कैरियर विलिस भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एवं एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग जो किया गया था, ये किया गया था विलिस कैरियर के द्वारा। इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 60 नंबर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो जानते रहिएगा, पृथ्वी जो किरणें जो होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सरे किरणें। और एक्सरे किरणें दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक्सरे जो किरणें होती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और बाकी जो अदर हैं ये सब प्रवेश कर जाती हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो देखिए आया 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर कहाँ विकसित किया गया था? तो जानते रहिए 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जो विकसित किया गया था, ये जापान में किया गया था। जापान दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जो विकसित किया गया था, वो जापान में किया गया था। फिर देखिए आ जाएंगे 18 नंबर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो जानते रहिएगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे, वो थे अजीत वाडेकर। और अजीत वाडेकर देखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 19 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जानते रहिएगा, भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। और सोवियत संघ देखिए यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर सी में, तुम्हारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा, सोवियत संघ के स्थान पर अगर रशिया आ जाए रूस, तो बात एक ही है, जो पहले सोवियत था अब वही रशिया में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जानते रहिएगा, जिस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो था बैसाखी। और बैसाखी दिखे है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अगर यही क्वेश्चन होता कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, जो घटना हुई थी कब हुई थी, तो जानते रहिएगा ये हुई थी 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखनी है। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है या है? तो जानते रहिएगा, हवा में मौजूद निम्नलिखित जो भी गैसें हैं, इनमें से जो पीतल के लिए मलिनीकरण के लिए जो जिम्मेदार होती है, वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो जानते रहिएगा, मृगालिनी जो साराभाई जो थी, ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। तो भरतनाट्यम देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो जानते रहिएगा, इन चारों ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। गाजर जो है ये समृद्ध जो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और बाकी जो पनीर हो गया, कोलाड्रा ग्रीन्स हो गया, अंजीर, ये सब क्या हैं, कैल्शियम के जो हैं समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 24 नंबर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जानते रहिएगा, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ। और बृहद्रथ देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था, तो पहला जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ये भी याद रखना है, ये कौन है, ये पहले ही है, ये पहले सम्राट हैं। और अंतिम जो है वो कौन है, बृहद्रथ है। अगर ये होता मौर्य वंश का प्रथम जो है सम्राट कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य, और जो आखिरी थे वो कौन थे, वो थे बृहद्रथ। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो जानते रहिएगा, देखिए ऑप्शन ए में
गया है टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन और टेलीटाइप। तो जानते रहिएगा, इन चारों की बात करें तो दूरबीन का जो आविष्कार हुआ था ना इन चारों में, ये सबसे पहले हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन गया कि जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पे फहराया। तो जानते रहिएगा, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का जो सबसे बड़ा तिरंगा फहराया था, ये फहराया था रांची में, और रांची दिखे है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायकवाड़ी परियोजना जो कि सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है, ये कहने किस नदी पर स्थित है। तो जानते रहिएगा, जायकवाड़ी परियोजना जो है, जिसे हम सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना मानते हैं, ये स्थित है गोदावरी नदी पे, और गोदावरी नदी देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा अगेन यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जानते रहिएगा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी की बात देखी है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है। तो जानते रहिएगा, भारत की सबसे दूरी की रेलगाड़ियां जो चलती हैं जिन दो स्टेशनों के बीच में, वो है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। और डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी की बात ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ जिन दो स्टेशनों के बीच में चलती है, वो है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। और देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी। तो जानते रहिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो पहली महिला थी, वो थी जुनेको तबी। और जुनेको तबी देखिए आए हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो पहली महिला थी विश्व की, वो जुनेको तबी थी। अगर यही होता कि भारत की कौन थी, भारत अगर ये क्वेश्चन होता कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल थी। ये आपको याद रखना है, ये भारत की थी ऑप्शन ए में जो आया है, और विश्व की जो पहली बार थी वो थी जुनेको तबी। ये आपको याद रखना। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। तो जानते रहिएगा, साइबेरियाई आइबेक्स जो है, ये बड़ी और भारी बकरियों का नाम है। जानते हैं भारी और बड़ी बकरियों को क्या बोला जाता है, साइबेरियाई आइबेक्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर यहां राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्की पैलेगो जो है ये क्या है। तो जानते रहिएगा, आर्की पैलेगो जो है ये द्वीपों का समूह और श्रृंखला और या फिर संग्रह है। जानते रहिएगा, इसे द्वीपों के समूह को हम बोलते हैं, या द्वीपों का संग्रह कहिए, या द्वीपों का संघ, या द्वीपों का जो संग्रह होता है उसको हम बोलते हैं आर्की पैलॉजी। ये आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैनेट नाइन क्या है। तो जानते रहिएगा, प्लैनेट नाइन जो है ये बाहरी सौर मंडल प्रणाली का प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, इसको नाम दिया गया है प्लैनेट नाइन। ये आपको याद रखना है कि प्लैनेट नाइन किसे बोला गया है, तो प्लैनेट नाइन जो है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी कला क्या है। तो जानते हैं कि मधुबनी जो कला है ये बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, और ये क्या है, ये एक पेंटिंग है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है, पेंटिंग है। तो ये आपको याद रखना है कि मधुबनी कला का संबंध किसे, बिहार में प्रचलित लोक कला है, और इसमें क्या किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है। तो जानते रहेगा, मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है ये है आपका केन्या में, और केन्या दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है ये केन्या में है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि जनवरी दिखे आया है 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमा की संख्या कितनी है। तो जानते रहिए, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई गैलीलियन में चंद्रमाओं की जो संख्या है वो चार है, और चार दिखे है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे 36 यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो मे बी आपको यहाँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज कितने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।